हेलो एवरीबडी गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लास्ट क्लास में स्टेम और स्टेम का पूरा मॉडिफिकेशन दैट इज द एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड स्टम मॉडिफिकेशन ये हम तमाम चीज़ें लास्ट क्लास में देख चुके थे वहाँ तक का एन सी आर टी भी मैं आपको डी कोड कर चुकी हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ आप उतना एन सी आर टी पढ़ कर आए होंगे इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लीव लीव से हम शुरू करेंगे तो फटाफट से आ जाइए लिंक शेयर कर लीजिए एंड प्लीज लेटमी नो इन द चैट बॉक्स एम आई प्रोपरली ऑडिबल एंडबल टू ऑल ऑफ यू क्या आप मुझे देख पा रहे हैं मुझे सुन पा रहे हैं Am I audible? So we न प्रोसीड विद द क्लास लक्ष्मी नो इससे पहले की मैं सेशन की शुरुआत करूँ मैं आपको फटाफट से इस प्लेटफॉर्म के बारे में और अपने बारे में कुछ बता देती हूं मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव मैं पिछले आठ से दस सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूं मैं अपने अभी तक के करियर में एक लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंटर कर चुकी हूँ और मैं अन के पेड प्लेटफॉर्म पर जो है नीट की कंप्लीट बायोलॉजी कवर करवाती हूँ तो अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अनअकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं तरीका बेहद आसान है प्ले स्टोर पर जाके अनअकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें फिर वो आपसे आपकी कैटेगरी पूछेगा उसमें आप नीट यू जी भरें फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्लस चाहिए आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे आइकॉनिक का फायदा यह है कि आपको लाइव मेंटरिंग सेशन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन पर्सनल कोच मिल जाता है और Unacademy के ब्रांडेड नोट्स की हार्ड कॉपी आपको मिल जाती है ठीक है आप फिर इसमें से कोई समय अवधि चुन के प्रोसीड टू पे के पहले एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड वहाँ शिवानी कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिलहाल बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है शिवानी कोड के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तीन महीने पर तो पूरा फोर्टी परसेंट सिक्स मंथ पर मतलब ये उन्नीस फरवरी तक ये ऑफर वैलिड है आप शिवानी कोड के साथ तो एक साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा अभी प्राइजेस जो है उन्नीस फरवरी तक है ये ऑफर सिर्फ शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लें तो एक तो ये ऑफर अनलॉक हो जाएगा दस का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस इसके अलावा भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड से मिलेंगे वो ये चाहे आप प्लस लें चाहे आप आइकॉनिक लें लेकिन अगर आपने शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लिया है तो डायरेक्टली आप मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे एंड थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू डी पी पी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटीरियल सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरा रणनीति बैच सोलह फरवरी से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर रोज सुबह आठ बजे मेरी क्लास होती है अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं वाई यूजिंग माई कोड शिवानी और ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवानी कोड से ही आपकी जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो आप उनके साथ पढ़ सकते हैं बस शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म पर जितने भी एडुकेटर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए हो जाएंगे अनलॉक ठीक है तो ये सब कुछ है चलिए नीट यू जीगा कॉम्बैक्ट यहाँ पर चल रहा है तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाई यूजिंग कोड शिवानी जो बीस फरवरी को होने वाला है अन अकेडमी नीट यू जी लाइट सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं दस हज़ार से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हैं आप शिवानी कोड लेंगे ट्वेंटी थर्ड फैफ तक बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहे हैं तो आप ट्वेंटी थर्ड फैब तक लेने पर बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर द डिस्काउंट यूज़ माई कोड ठीक है तो आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्रोडिजी शिवानी कोड के साथ अनलॉक करेंगे फ्री ऑफ जितने भी फ्री फीचर्स हैं हैंकेडमी के सारे शिवानी कोड के साथ अनलॉक हो जाते हैं लाइव मेंटरिंग सेशंस के इसमें बता रखें आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको ये सारे कुछ फीचर्स हैं आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस जो आपको मिलता है उसके लिए ठीक है सो दैट्स इट लेट्स स्टार्ट विद द लीफ लास्ट क्लास में स्टेम तक पूरा डिस्कस हम कर चुके थे इन टूडे क्लास वी हैव टू स्टार्ट विद द लीव ठीक है तो हेडिंग डाल लीजिए लीव लास्ट क्लास का आपको याद होगा हमने स्टेम में बात की थी कि उसके पास नोड्स और इंटर नोड्स हैं तो नोड्स ही वो पोर्शन था विच बेयर द लीव्स जिस पर लीव्स बॉर्न होती थी तो लीव की हम बात करें तो ये ऑलरेडी हमें अपने लास्ट सेशन से पता है कि द लीव डेवलप फ्रॉम नोड्स मेन फंक्शन क्या है लीव का इट इज टू कैरी आउट द फॉर्मेशन है एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती है ऑन द एक्सेल ऑफ लीव एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी बर्ड जो है ये इट मे डेवलप इन टू ब्रांच ये ब्रांच के अंदर डेवलप हो जाती है ठीक है लीफ जो है शूट शूटाइकल से ओरिजिनेट होती है और ये आपके ऑर्डर के अंदर होती है। अब हम लीफ को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके तीनों मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बट उससे पहले ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला तो कि लीफ जो है ये आपके नोड वाले हिस्से पर ही डेवलप होती है तो लीफ डेवलप फ्रॉम द नोड लीफ ऑलरेडी पता है ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डेवलप फ्रॉम द नोड्स फिर हमने फंक्शन की बात की लीफ की तो लीफ का मेन फंक्शन है द मेन फंक्शन ऑफ लीफ is to carry out photosynthesis axillary bud are found on the axil of leaf ये जो एक्सिलरी बड है इट में डेवलप इनटू ब्रांच एक्सिलरी बड में डेवलप इनटू अ ब्रांच लीफ जो है ऑरिजिनेट होती है शूट अपाइकल मैरिस्टम से और ये आपके एक्टल मैनर में अरेंज होती है आप बात है रूट से तो होती नहीं है शूट से अराइज होती है मैं मैंने बोलना तो शुरू कर दिया लेट मी चेक बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है ना प्लीज लेट मी नो आई एम वाचिंग योर कमेंट्स मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्लीज लेट मी नो इन द चैट से यस और नो एम आई ऑडिबल मेरी चैट नहीं दिख रही है मुझे कुछ तो लाइक like के साथ चल रहा है लेट मी हियर द वॉइस ओवर हेयर यस ठीक है हाँ लिख लो तो लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मैरिस्टम एंड आर अरेन्ज इन एक्रोपिटल मैनर ठीक है फिर हमने बात की लीव की अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स लीव की अगर हम बात करें को तीन मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया दैट इज द लीफ बेस पेटीओल एंड लमाइना दैट इज द लीफ बेस इसे हम हाइपोपोडियम है कहते हैं पेटियोल जिसे मीजोपोडियम कहा जाता है एंड लमाइना जिसे एपीपोडियम कहा जाता है ठीक है लीफ बेस पेटियोल एंड लमाइना दैट इज हाइपोपोडियम मीजोपोडियम एंड द एपीपोडियम क्या होता है ये इसका एक एक का डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है तो ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करें लीफ बेस यानी कि हाइपोपोडियम क्या है तो इट द पार्ट ऑफ द लीफ लीफ का वो पार्ट विच इज अटैच टू द स्टेम जो कि स्टेम से अटैच होगा उसे ही आप कहते हैं लीफ बेस जैसे कि ये स्टेम है ये पार्ट लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच होगा इसे लीफ बेस कहते हैं और लीफ बेस और लमाइना को जो पार्ट अटैच करता है उसे आप पेटियोल यानी कि मीजोपोडियम कहते हैं और ये जो ब्रॉड सरफेस है लीफ का जिसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना इसे आप लमाइना कहते हैं यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ना बेटा दिस इज द मैं आपको ढंग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो लीफ का ये वाला जो मेन ब्रॉड पार्ट है लीफ का इसे लमाइना और एपिपोडियम कहेंगे जिसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच है दिस इज द लीफ बेस और लीफ बेस और लमाइनो को जोड़ने वाला ये पार्ट इट इज कॉल्ड द पेटियोल इट इज कॉल्ड द पेटियोल तो व्हाट इज द लीफ बेस द पार्ट ऑफ द लीफ लीफ का वो पार्ट व्हिच इज अटैच्ड टू द स्टेम इसे आप कहेंगे लीफ बेस ठीक है शीथिंग लीफ बेस पाए जाते हैं मोनोकॉट्स के अंदर और कुछ लेग्यूम प्लांट्स के अंदर पल्विनस लीफ बेस जो है ये प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले लीफ बेस जो सबसे पहला पार्ट था उसके बारे में लिख लो तीन मेन पार्ट थे सबसे पहला पार्ट है लीफ बेस जिसे हम कह रहे हैं हाइपोपोडियम hypo podium so it is the part of the leaf the part of the leaf which is attached लीफ का वो पार्ट द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम उसे हम कहेंगे मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट है शीथिंग लीफ बेस थिंग लीफ बेस इज फाउंड इन समीथिंग लीफ बेस इज फाउंड इन शीथिंग लीफ बेस पाए जाते हैं मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर और पलविनस लीफ बेस पाए जाते हैं उंड प्लांट लीफ बेस होता क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा कि लीव का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच होता है लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच है उसे आप लीफ बेस या हाइपोपोडियम कहते हैं मोनोकोट्स के अंदर शीथिंग लीफ बेस प्रेजेंट होता है और कुछ लेग्यूम प्लांट्स के अंदर पल्विनस लीफ बेस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट जो पार्ट है वी विल टॉक अबाउट द पेटियोल जिसे हम मेजोपोडियम भी कहते हैं ये क्या होता है तो लीफ का वो पार्ट द पार्ट ऑफ लीफ जो कि लैमिना को इस लीफ बेस से कनेक्ट करे द पार्ट ऑफ द लीफ कनेक्टिंग द लमाइना विद द ब्रांच और द स्टेम उसे आप कहेंगे पेटियोल सेकंड पेटियोल या फिर कह दीजिए मीजोहोडियम ये क्या होता है तो लीफ का वो पार्ट द पार्ट ऑफ लीफ विच इज कनेक्टिंग द लमाइना माइना को स्टेम से जो कनेक्ट करेगा द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज कनेक्टिंग द लमाइना विद द ब्रांच और स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल अब एक टर्म और पढ़ते एक होती तो है ससाइल लीफ एक होती है पेटियोलेटेड या फिर, फिर स्टॉक लीफ पेटियोलेटेड और स्टॉक लीफ वो जिनमें पेटियोल प्रेजेंट है और जिनमें पेटियोल है उन्हें आप कहते हैं लीफ। अगर पेटियोल, वो डंडी जो होती है ना पेटियोल ये प्रेजेंट है तो इसे आप कहेंगे पेटियोलेटेड या फिर कह दीजिए स्टॉक्ड लीफ अगर पेटियोल आपका एबसेंट है तो इसे आप कहेंगे साइल लीफ ठीक है अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आइकॉर्निया का साइट्रस का कि आइकॉर्निया में तो पेटीओल जो है ये स्वेल अप हो जाता है साइट्रस में ये विंग होता है इन आइकॉर्निया पेटियोल स्वेल अप एंड इन साइट्रस इट इज विंग रिंग्ड होता है ये ठीक है कुछ इस तरीके से है मैं डायग्राम शो करती हूँ लीफ का वो पार्ट विच इज अटैच टू द स्टेम इसे आपने कहा लीफ बेस तो लीफ का वो पार्ट विच इज अटैच टू द स्टेम इट इज कॉल्ड द लीफ बेस और लीफ का वो पार्ट जो कि लीफ लैमायना ये जो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है ना ब्रॉड सेक्शन लीफ का इसको आप लैमायना कहते हैं जो कि लैमायना को ब्रांच और स्टेम से कनेक्ट करेगा यानी कि ये चीज इसे आप कहेंगे पेटियोल अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो पेटियोलेटेड लीफ अगर पेटियोल एब्सेंट है तो सिसाइल लीफ आइकॉर्निया के अंदर पेटियोल स्वेल होता है साइट्रस के अंदर विंग होता है द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड ये छोड़ो लमाइना की बात करते हैं अब डायरेक्टली की बात करें लमाइना तीसरा पार्ट जो है जिसे लीफ लीफ ब्लेड या कहते हैं ये ब्रॉड और फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन तीसरा पार्ट जो है इट इज द दिसे लीफ ब्लेड या एपीपोडियम कहते हैं तीसरा पार्ट जो है इट इज द लमाइना जिसे लीफ ब्लेड या एपिपोडियम कहा जाता है इसकी बात करें इट इज ब्रॉड और फ्लैटेंट पार्ट यही होता है अभी डायग्राम में मैं आपको शो कर चुकी हूं इट इज द ब्रॉड एंड Flattened part of leaf, its main function is to carry out photosynthesis. और फोटो ये इसका मेन काम है। है? या फोटोसिंथेसिस। ठीक ये हम डिस्कस कर चुके। चुकेशन ऑफ लीफ ठीक है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लमाइना इसे आप कहते हैं venation, दो टाइप के हैं पैरेलल वेनेशन एंड द रेटिकुलेट वेनेशन लिख लो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए वेनेशन वेनेशन ऑफ लमाइना द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन लीफ लमाइना लीफ लमाइना में वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को ही आप वेनेशन कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन माइना कॉल्ड वेनेशन एंड इसके भी दो टाइप है इट इज ऑफेशन के दो टाइप्स हैं वॉटवर दे एक है आपका पैरल वेनेशन और एक है आपका रेटिकुलेट वेनेशन एक है आपका पैरल वेनेशन एक है रेटिकुलेट वेनेशन पैरल वेनेशन मोनोकॉट्स में, में पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में पाया जाता है पैरल वेनेशन जो है फाउंडेन पैरल आपको मोनोकॉर्ट्स में देखने को मिलता है और रेटिकुलेट वेनेशन की मैं बात करूं यह आपको बेटा डायकॉट्स में देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन मोनोकॉटस में रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉटस में इसका एक्सेप्शन जो है पैरेलल वेनेशन का वो है सिमिलिक्स इसका एक्सेप्शन है सिमिलिक्स क्यों इसमें मोनोकॉटस में होता है लेकिन सिमिलिक्स है इसका एक्सेप्शन इसमें पैरेलल वेनेशन होता है ठीक है सिमिलेक्स में इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है सिमिलेक्स में होना चाहिए पैरेलल बट इट हैज रेटिकुलेट वेनेशन और ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है रेटिकुलेट वेनेशन लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कैलो फाइलम ये इसका एक्सेप्शन है इसके पास होना चाहिए इसके पास होता है इट हैज हैजन ये आपको समझ में आया वेनेशन के बारे में बेटा आज एन मैं स्टूडियो में लेकर नहीं आई हूँ तो मैं एन आपको कल पढ़ाऊंगी तो थोड़ा बहुत जो रह गया होगा इसमें सेक्शन वो मैं एन से कल डी कोड कल के सेशन में आज मैं सिर्फ ये पढ़ा रही हूँ मैं डायरेक्टली मॉडिफिकेशन ऑफ लीव पर आ जाऊंगी अब ठीक है तो क्या मैंने आपको बताया वेनेशन में भी सिर्फ इतना पढ़ा है कि वेनस और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है माइना में उसी को आप वेनेशन कहते हैं दो टाइप है एक है पैरेलल वेनेशन एक है रेटिकुलेट वेनेशन पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है बट पैरेलल वेनेशन के अंदर है सिमिलेक्स एक्सेप्शन होना चाहिए मोनोकॉट है होना चाहिए पैरेलल वेनेशन, लेकिन है रेटिकुलेट और रेटिकुलेट वेनेशन का एक्सेप्शन है कैलोफाइलम

मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें वी लीव्स आर मॉडिफाइड इन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीफ टेंड्रल सबसे पहला लीफ मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे लीफ टेंड्रल नाम से पता लग रहा है लीफ टेंड्रल के अंदर मॉडिफाई होगी तो इन सम प्लांट्स होल लीफ पूरी की पूरी जो लीफ है इट इज मॉडिफाइड इन टू अ वायर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लीफ टेंड्रल इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं लथायरस एफए का दैट इज द वाइल्ड पी पी के अंदर इस तरीके की मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है ठीक है लथायरस एफए का वाइल्ड पी पीस के अंदर होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ वायर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द लीफ टेंड्रिल सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम बात करें हेडिंग डाल लीजिए NCERT मैं कल पढ़ाऊंगी आप कभी NCERT पढ़ेंगे अभी इसकी NCERT मत पढ़ना लीफ की स्टेम तक आप पढ़ चुके होंगे मैंने कल डीकोड भी कर दिया था मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं लीफ इस तरीके के मॉडिफिकेशन में क्या होता है पूरी की पूरी लीफ आप कैसे एक वायर लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं लीफ टेंडल उसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है इन दिस मॉडिफिकेशन Whole leaf in this modification, whole leaf is modified into wire like structure. Whole leaf is modified into a wire like structure that is called. इसका एग्जाम्पल की हम बात करें लथायरस का वाइल्ड पी यानी कि पीस के अंदर इस तरीके का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है नाम से क्लियर है लीफ टेंड्र की लीव जो है

Modified into pointed spine. Example: Opuntia, cacti.

इस तरीके के मॉडिफिकेशन में लीव्स जो है दे बिकम कैसी हो जाएंगी ये थिन, ड्राई हो जाती हैं एंड फॉर्म और पेपर लाइक स्ट्रक्चर और इसका काम क्या है ये एक्सिलरी बड़ को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि फिकस टैमरिक्स और रस्कस के अंदर क्या होता है इन दिस आर मॉडिफाइड इनटू ड्राई थिन ड्राई एंड फॉर्म अ पेपर और मैम्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है एंड सर्व टू प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बर्ड एज इन फीकस टैमरिक्स एंड लिख लीजिए तीसरा जो मॉडिफिकेशन है लीफ केल इसमें क्या होता है इन दिस लीफ आर मॉडिफाइड इंटू थिंक ड्राई मैमब्रेन लाइक मैमब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाएगी लीफ लीफ आर मॉडिफाइड इनटू थिन ड्राई मेम्ब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर विच सर्व एज टू प्रोटेक्ट एक्सिलरी बर्ड स अंदर देखने को मिलता है ऐसा एसन टैमरिक्स एंड रस्कस के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो हमने लीव टेंड्रल्स के बारे में पढ़ लिया वेरी फेमस एग्जाम्पल्स पीस के अंदर वाइल्ड वाइल्ड पी

ये पिचर शेप स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर शेप स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल नेपेंथिस जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं और डिशिडिया ये इसके एग्जांपल है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है लीव पिचर इसमें क्या है इन दिस लीव्स ऑफ सम प्लांट और दिस लीव्स ऑफ सम प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू और दिस लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू नाम है ना पिचर तो पिचर शेप स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड जाता है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर शेप

ये होता है लीव पिक्चर में और सम प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप स्ट्रक्चर और का है Next, modification, इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं, इट इज अबाउट द लीफ ब्लैडर इसमें क्या होता है वेरी फेमस एग्जांपल यूट्रिक्यूलैरिया जिसे आप कहते हैं ब्लैडर वर्ल्ड यूट्रिक्यूलैरिया जिसे कहते हैं ब्लैडर वर्ट ठीक है क्या बताया इन सम प्लांट्स लीफ आर मॉडिफाइड इनटू लीफ ब्लैडर ब्लेडर किसमें मॉडिफाई हुई इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल উট্রি কুलेरिया यानी कि ब्लैडर वॉल्ट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द यूट्रिकुलरिया दैट इज द ब्लैडर वॉल्ट तो लीफ पिक्चर लीफ ब्लैडर हो गया नेक्स्ट इज द लीफ हुक्स लीफ हुक में क्या होता है इन सम प्लांट जो टर्मिनल लीफलेट है दे आर मॉडिफाइड इन टू करव्ड हुक फॉर हेल्पिंग द प्लांट इन क्लाइं जैसे कि कैटनेल बिगोनिया मैं सिर्फ तो इसको इसमें ही लिखा दिखा रही हूं आपको आप इसमें से नोट आउट करना चाहे कर लेना फाइलॉड में आपको लिखाऊंगी ठीक है इसमें कुछ प्लांट्स में लीव जो है टर्मिनल लीफलेट्स जो है ये कर्वड हुक्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं विच हेल्प्स द प्लांट इन द क्लाइंबिंग फाइलॉड इज मॉडिफिकेशन। लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने फाइलो क्लैड पढ़ाया था विच इज अटेम मॉडिफिकेशन एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन था उसमें स्टेम जो है वो फ्लैशी फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाता था और लीव जैसा फंक्शन परफॉर्म करता था यानी कि फोटोसिंथेसिस और लीव्स जो है पॉइंटेड स्पाइन के अंदर मॉडिफाई हो जाती थी हमने एग्जांपल पढ़ा था ओपन यूफोबिया कैक्टस उसके अंदर फाइलो दिस इज द फाइलोड सम प्लांट पटियोल जो है इट बिकम फ्लैट लीफ लाइक एंड फंक्शन एस नॉर्मल लीफ पेटियोल जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देता इन सम प्लांट पेटियोल बिकम फ्लैट लीफ लाइक एंड फंक्शन एस नॉर्मल लीफ इसके दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और एक हम पढ़ते हैं पार्किन सोनिया ठीक है नेक्स्ट हमने क्या लिखा इट इज फाइलॉड नंबर में भूल गईलॉडियोल का मॉडिफिकेशन इन समेरी फेमस वेरी इंपॉर्टेंट रोल टियॉल जो है इज मॉडिफाइड लेट लीफ लाइक एंड फंक्शन एज नॉर्मल का मॉडिफिकेशन है पट्टील इज मॉडिफाइड इन टू फ्लैट लीफ लाइक एंड फंक्शन नॉर्मल लीफ। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किंसोनिया। ये इसके एग्जाम्पल है फाइलोट के ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किन सोनिया ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नेक्स्ट जो है सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ वगैरह भी है डिस्कशन के लिए लेकिन वो मैं आई एम सो सॉरी लेकिन वो मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट रहूंगी उसमें स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे तो उससे पहले इन टूडेस क्लास आई गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलोटैक्सी

फाइलोटेक्सी क्या होता है इट इज पैटर्न और पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन ब्रांच और पैटर्न यानी कि अरेंजमेंट कैसा है लीफ का स्टेम पर या ब्रांच पर इट इज द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम इज कॉल्ड फाइलो टैक्सी पायलो टैक्सी की बात करूं तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स वर दे तीन टाइप की है इट इज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी इट इज अपोजिट फाइलोटेक्सी एंड इट इज अबाउट द वर्ल्ड फाइलोटेक्सी क्या होता है इसका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है अपोजिट फाइलोटेक्सी अल्टरनेट फाइलोटेक्सी अपोजिट फाइलोटेक्सी एंड द वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एक-एक का डिटेल हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिट फाइलोटेक्स अल्टरनेट फाइलोटेक्सी की पहले अपोजिट नहीं अल्टरनेट पढ़ते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी में क्या होता है इन दिस टाइप

ये एक नोड से एक ही लीफ ऐसे अल्टरनेट मैनर में दिस इज द अल्टरनेट फाइलोटेक्सी मस्टर्ड चाइना रोज एंड सनफ्लावर इसके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है सबसे पहला टाइप जो है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इस तरीके से होगा ये ये स्टेम और ब्रांच है ठीक है ये नोड है एक नोड से एक ही लीफ इन ऑल्टरनेट मैनर एक नोड से एक ही लीफ इन ऑल्टरनेट मैनर दिस इज द alternate फाइलोटैक्सी इन दिस टाइप इस तरीके के अरेंजमेंट में क्या होता है अ सिंगल लीफ इन दिस टाइप अ सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम each node in this type a single leaf in this type a single leaf arises from each node in alternate manner इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मस्टर्ड चाइना रोज एंड सनफ्लॉर मस्टर्ड चाइना रोज एंड सनफ्लॉर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है कि यह भी क्लियर हो गया होगा एक नोट से एक ही लीफ अराइज होता है अल्टरनेट मैनर के अंदर दिस इज द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मस्टर्ड चाइना रोज और सनफ्लावर के अंदर आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अपोजिट फाइलोटैक्सी ये क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उससे पहले प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आई एम वाचिंग योर कमेंट्स राइट नाउ इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी

चलो तो ये हुआ आगे बढ़ते हैं योग्य अल्टरनेट फाइलो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी की इसमें क्या होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी टैक्सी में एक नोड से अ पेयर ऑफ लीफ अराइज अ पेयर ऑफ लीफ अराइज नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर ठीक है कुछ इस तरीके से होता है पहले देख लो ये एक नोड है इससे अ पेयर ऑफ लीफ अराइस एट ईच नोड एक नोड से इन दस एक नोड से अ पेयर ऑफ लीफ अराइस एट ईच नोड अब एक नोड से आप पेयर ऑफ लीफ आराइस करनी है, मैं इसको दो तरीके से कर सकती हूँ ये एक नोड से एक तो जस्ट ये तो एक के ऊपर एक और एक मैं ऐसे राइट एंगल पर भी तो कर सकती हूँ एट राइट एंगल टू विचर जैसे ये है कहाँ गया यार ये चेंज नहीं हुआ देखो एक ऑफ सॉरी ये एक नोड पे एक पेयर ऑफ लीव है लेकिन राइट right एंगल पर एक दूसरे के एक पेयर ऑफ लीव है लेकिन राइट right एंगल पर और इसमें एक क्यूब एक तो ये हो गया

दूसरा टाइप जो है इन दिस टाइप अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट Each node. In this type, a pair of leaf arise at each node, then it is called. A pair of leaf arise at each node, then it is called opposite phyllotaxy. इसके भी दो टाइप हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स क्या है ये दो टाइप सुपर पोस्ट एंड डक सेट टाइप कुछ इस तरीके से अब ये एक नोड है इससे एक पेयर ऑफ लीफ अराइज होगा लेकिन ऐसे राइट right एंगल पर तरीके से राइट एंगल पर यह है डकसेट लीव राइट एंगल टू नोड दूसरा टाइप था सुपरपोज़ टाइप इट वाज लाइक दिस एक नोड से अ पेयर ऑफ लीव एक नोड है इससे अ पेयर ऑफ लीफ निकलेगी एक नोड से एक पेयर ऑफ लीव लेकिन जस्ट वन ओवर द अदर एक के ऊपर एक दिस इज द दुपरपोज टाइप सुपरपोज में वन पेयर ऑफ लीव प्रेजेंट वन ओवर द अदर एक के ऊपर एक इट इज अ अपरपोज टाइप डेकासेट में इट इज प्रेजेंटेड राइट एंगल टू अदर यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम दिस इज द डेकासेट राइट एंगल पर डेकासेट एक के ऊपर एक सुपर पोस्ट टाइप ठीक है अपोजिट फाइलोटैक्सी में ये अल्टर सुपर पोस्ट और डेकोसेट टाइप हो गया इसका एग्जाम्पल आप देख लें सुपर पोस्ट का एग्जाम्पल है गुआवा डेकोसेट का कैलोट्रोपिस जो सुपर पोस्ट वाला था और एक था टाइप लिख नहीं पाई थी यहां लिख लेना सुपर का एग्जांपल है गुआवा डकसेट टाइप का एग्जांपल है कैलो ट्रॉपिस गुआवा एंड द कैलो ट्रॉपिस ठीक अब लास्ट जो इसके अंदर रहता है दिस इज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी ये क्या होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये हो गया नेक्स्ट इफ मोर देन टू लीव्स आर आईज एट ईच नोड एक नोड से दो से ज्यादा लीफ राइज़ होती है दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया और नीरियम के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से कि एक नोड से ये एक नोड से व्हेन मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड देन इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया और नीरियम के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है एल्स्टोनिया और नीरियम तीसरा जो टाइप है इट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी Something like this. Ek node se kaisari when more than two leaves arise at each node. When more than two leaves arise at each node, then it is called the world phylotexy. when More than two leaves arise at each node, then it is called when more than two leaves arise at each node, then it is called. World pilotexy. For example Alstonia that is the devil tree and Miriam, This is the example of. This is the example of world phylogeny. Alstonia and Nerium. This is the example of world phylogeny. I think it is clear to everybody. Is it clear? Clear हो गया यहाँ तक सबको? तो ये हम आपका पूरा phylogeny जो है ये discuss कर चुके हैं. अब एनसीआर टी क्योंकि आज मैं लेकर ही नहीं आई हूँ स्टूडियो में बेटा तो एनसीआर टी मैं कल डी कोड करूंगी ठीक है ये एनसीआर टी मैं इसका कल डी कोड करूंगी आज के लिए इतना ही है बाकी की चीजें मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी इज इट क्लियर टू एवरी तो ये हम पढ़ चुके इसमें सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ थोड़ा सा होगा और कुछ चीजें आपको आप एनसीआर नहीं पढ़ेंगे अभी लीव के बारे में एनसीआरटी में आपके साथ कल की क्लास में डी कर दूंगी अब मिलते हैं ठीक रात साढ़े आठ स्पेशल क्लास रोज हो रही है टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी स्पेशल क्लास लग रही है रोज फ्री है फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अन अकेडमी ऐप पर रोज दो बार होती है डेली चल रही है ये एक साढ़े तीन बजे एक रात साढ़े आठ बजे अभी साढ़े आठ बजे में आपको मिलूंगी माइनर जिसमें प्लांट किंगडम और Human Reproduction हम करेंगे। Unacademy के लर्निंग ऐप पर है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्ज नहीं है वो आपसे हो सकता है एंट्री के लिए कोड पूछे आप शिवानी कोड के साथ क्लास में एंटर कर लीजिएगा चार्जेस कुछ भी नहीं पे करने इसके ठीक है अन का लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए आप ऐसी क्लासेस कोई मिस ना करें इसलिए आप अन अकेडमी ऐप पर डॉक्टर शिवानी भार्गव का प्रोफाइल सर्च करो वहाँ मुझे फॉलो करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो तो आपको मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ठीक है सो दैट्स इट रोज़ होते हैं ये मेजर ये टेस्ट सीरीज़ सोलह फरवरी से ही स्टार्ट हुई है रोज़ चल रही है दिन में साढ़े तीन और रात साढ़े आठ बजे टू सी यू टू नाइट एट एट थर्टी पी एम थैंक यू सो मच गाइजिंग दिसज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दीडियो एंड शेयर द लिंक यू कैन और अगर आप चैनल पे नए हैं इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और 19 फरवरी तक ये ऑफर एक्सटेंड हो चुका है अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है तीन महीने छः महीने और एक साल से उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर तो आप शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर फीस प्लस एडिशनल बेनिफिट है शिवानी कोड के जो सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड से ही मिलेंगे वो ये कि आप चाहे प्लस लें आप चाहे आइकॉनिक लें आप दोनों ही कंडीशन में अगर आपने शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लिया है तो मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे मुझे कैसे बताएंगे आप आप प्लस या स्पेशल इंटर एक्टिव प्लेटफॉर्म में वहां के बता देंगे मैम आपके कोर्स से सब्सक्रिप्शन लिया है मेरे पास भी डिटेल्स होते हैं मैं क्रॉस चेक करूंगी और आपको अपनी मेंटरशिप में ऐड कर लूंगी थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू पर्सनली ठीक है सिया दैट्स इट थैंक यू सो मच बाय सी यू टू नाइट एट एट थर्टी पी एम फॉर द माइनर टेस्ट सेकेंड जिसमें हम प्लांट किंगडम और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे Thank you so much. Bye bye, everybody.